Hi guys, am I audible and visible to you? गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। हम लाइव हैं और हम आज डिस्कस करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर का सेकेंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने जाना था हड़प्पन आर्ट के बारे में, तो हड़प्पन आर्ट में हमने क्या क्या देखा था, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बीच का डिफरेंस, जहाँ हमने देखा कि आर्किटेक्चर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मटीरियल होती है, जैसे किसी बड़ी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना, और स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं इसका तो ये बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है, कई सारी चीज़ें इसमें मिलाई गई हैं, स्टोन, वुड, ग्लास, मेटल, सैंड, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्कल्पचर की, तो स्कल्पचर एक थ्री डायमेंशनल, एक स्मॉल वर्क है और ये रिलेटिवली स्मॉलर है कंपेयर अगर करें हम इसे आर्किटेक्चर से। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि पॉटरी, पॉटरी जो है वो एक स्कल्पचर है, लेकिन एक केव या एक बिल्डिंग या एक रेजिडेंशियल जो एक एरिया होगा वो आर्किटेक्चर के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा हमने एंशियंट इंडिया के क्लासिफिकेशंस को देखा कि जहाँ जहाँ पे हमें कौन कौन से आर्ट्स को डिस्कस करना है, हमने हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ये सारे स्लाइड्स कवर किए थे। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मौर्यन आर्ट की, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है, इससे पहले हम ये समझेंगे कि ये मौर्यन डायनेस्टी शुरू किसने की थी। हु स्टार्टेड दिस मौर्यन डायनेस्टी? चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। सो मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि एक और चीज़ होती है जो इस बीच में स्टार्ट होती है, बुद्धिज्म, जैनिज्म जो है ये शरमना ट्रेडिशन का पार्ट हुआ करते थे और 4th century BC में ये एक तरीके से इनका ओरिजिन हम देखने को मिलेगा हमें। हम यहाँ पे जो मौर्यन आर्ट देखेंगे इसमें हम देखेंगे कि वुड जो है एक प्रिंसिपल बिल्डिंग मटीरियल होगा और ईरान के जो आर्ट थे उससे ये काफ़ी इंस्पायर्ड था। यहाँ के जो रिलीजियस और सोशल सिनेरियो का अगर हम समझें तो वो काफ़ी बदल रहे थे और इसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, तो उन चेंजेस को भी हम देखेंगे और उन चेंजेस की वजह से जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा था उन चेंजेस को भी हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं मौर्यन आर्ट से। मौर्यन आर्ट को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक है कोर्ट आर्ट और दूसरा है पॉपुलर आर्ट। अभी कोर्ट आर्ट की बात आ रही है तो कोर्ट का मतलब क्या है? राजा से कुछ रिलेटेड है। कोर्ट का मतलब जो राजा की सभा होती है, राजा का तो दरबार होता है, उस दरबार से अगर कुछ हो रहा है तो वो जो आर्ट इनिशिएटिव होगा वो हो सकता है कि रूलर के द्वारा हो या बड़े बड़े नोबल्स के द्वारा हो या प्रिंसेस के द्वारा हो। तो कोर्ट आर्ट में हम देखेंगे कि ये एक ऐसा आर्ट इनिशिएटिव होगा जो राजा के द्वारा आ रहा है। अब राजा क्या बनवाएंगे? राजा मटके तो नहीं बनवाएंगे, घड़े तो नहीं बनवाएंगे, राजा तो क्या बनवाएंगे? राजा तो बड़े बड़े महल बनवाएंगे, राइट? तो राजा बनवाते थे बड़े बड़े महल, यानी कि पैलेसेस, पिलर्स, स्तूपास। पैलेसेस, पिलर्स और स्तूप का निर्माण हुआ करता था राजाओं के द्वारा। ये कोर्ट आर्ट के अंदर आएगा, इसको हम एक एक करके कवर करेंगे। और दूसरा हम पढ़ेंगे पॉपुलर आर्ट, जहां हम इंडिविजुअल इनिशिएटिव को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम केव्स, पॉटरी, स्कल्पचर ये सब कवर करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इंडिविजुअल इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि जहाँ कोई इंसान अपने मर्जी से कुछ इनिशिएटिव ले रहा है और अपनी मर्जी से कुछ डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि वो अपने घर की दीवारों पे अगर पेंटिंग कर रहा है, या वो अपने काम के लिए मटके बना रहा है, या फिर वो घड़ों के ऊपर पेंटिंग कर रहा है, या वो केव्स में कुछ आर्किटेक्चर का कुछ बना रहा है, तो वो उसकी अपनी मर्जी है।
इस प्रकार से हम कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट को अलग अलग करके पढ़ सकते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोर्ट आर्ट। तो जो कोर्ट आर्ट है इसमें हम ये देखेंगे कि मॉडर्न रूलर्स बहुत सारे आर्किटेक्चरल वर्क्स करवा रहे थे और इसका पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस रीजन हुआ करता था। पॉलिटिकल भी है और रिलीजियस भी है, राइट? सो इसमें हम थोड़ा देखें अगर तो अगर पॉलिटिकल रीजन की बात करें तो वो ये है कि जो राजा जितना बड़ा मंदिर बनवा रहा है, जितना बड़ा टेंपल बनवा रहा है, वो राजा उतना ही बड़ा है। जिसका जितना बड़ा महल है वो राजा बहुत पावरफुल है। तो राजा की पावर को राजा का जो आर्किटेक्चर है वो दिखा रहा है। और रिलीजियस रीजन भी है, जो महाराजा जो है जिस प्रकार के होते थे, जैसा उनका धर्म हुआ करता था, जैसी उनकी सोच या उनके विचार हुआ करते थे, वैसे ही वो आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट किया करते थे। अगर हम रिलीजियस बात करें तो अगर हिंदू धर्म से उनका रिलेशन है या हिंदू धर्म को वो मानने वाले हैं या विष्णु धर्म को मानने वाले हैं, शैविज्म वैष्णविज्म ऐसा कुछ अगर है उनके मन में तो वो मंदिरों का ज़्यादा निर्माण करेंगे। अगर वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं तो वो स्तूप का ज़्यादा निर्माण करेंगे। तो डिपेंड करता है कि राजा जो है उसका रिलीजन क्या है और उसके अंदर वो कैसा है, क्या वो दूसरे धर्मों की भी रिस्पेक्ट करता है या नहीं, क्या वो सेकुलर है या नहीं, क्या भले ही वो खुद एक ब्राह्मण हो क्या वो दूसरे जो धर्म हैं उनको भी कभी पैट्रोनाइज करता है या नहीं, ये हम देखेंगे। तो यहाँ हम कोर्ट आर्ट की जब बात करेंगे तो यहाँ हम सबसे पहले पैलेसेस को कवर करेंगे। तो जो मौर्यन एम्पायर है ये बहुत ही बड़ा एम्पायर है, फर्स्ट पावरफुल एम्पायर जो कि आया इंडिया में। और इसकी जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र में। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पैलेसेस हैं वो बहुत ही भव्य हुआ करते थे, जैसे कि कुमराहर का पैलेस। और मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें इतना सब कुछ पता कैसे चल रहा है? हमें पता चल रहा है ट्रैवलर्स के द्वारा, उस टाइम में लिखी गई किताबों के द्वारा। तो उस टाइम में मेगस्थनीज भी आए थे और मेगस्थनीज बताते हैं कि बहुत ही भव्यता के साथ बड़े बड़े महलों का निर्माण होता था, काफ़ी अच्छी उसमें नक्काशी हुआ करती थी। और ये जो मौर्यन हम आर्ट देख रहे हैं ये बहुत हद तक अकैमेनिड पैलेसेस से इंस्पायर्ड था। जो ईरान है उसमें हम देखते थे कि इस प्रकार से कुछ इनिशिएटिव्स हो रहे थे जब वुडन आर्किटेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट था। तो ईरान में जिस प्रकार से महलों का और दूसरी चीज़ों का डेवलपमेंट था उससे इंस्पायर होकर के मौर्यन एम्पायर में भी हम उसी प्रकार की चीज़ें देखते हैं। यहाँ जो वुड है, वुड प्रिंसिपल बिल्डिंग मटीरियल था। और मेगस्थनीज इसके बारे में बताते हैं कि ज़्यादातर लकड़ी के बड़े बड़े महल होते थे, 2 मंजिला 3 मंजिला, और ये ग्रेटेस्ट क्रिएशन है ऑफ मैनकाइंड। सिमिलरली अगर हम अशोक के पैलेस की बात करें जो कि कुमराहर में है, ये एक मैसिव स्ट्रक्चर था। इसका एक हाई सेंट्रल पिलर था और 3 मंजिला ये वुडन स्ट्रक्चर है। इसकी जो वॉल्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड है, कार्विंग है, स्कल्पचर्स है। तो वुड इसका प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल हुआ करता था। अब अगर हम अशोक के टाइम की बात करें तो अशोक के टाइम पे पिलर्स बहुत थे। वो अपनी जनता से रिलेट करने के लिए ऐसे पिलर्स का सहारा लिया करते थे। अशोक ने पिलर्स के ऊपर काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस भी करवाए थे और उन इंस्क्रिप्शंस में अशोक के जो मैसेजेस हैं वो लिखे रहते थे। तो पिलर जो है एक सिंबल ऑफ स्टेट है कि अगर वो कोई मान लीजिए बैटल विक्ट्री है कोई उनकी, वो गए लड़ाई लड़ने और जीत करके आए, कोई बैटल उन्होंने जीती या कुछ भी अगर वो कर रहे हैं तो वो अपनी जनता को कैसे बताएंगे कि जनता उसको याद रखे समझे। इसीलिए उन्होंने अपनी बैटल विक्ट्रीज या जो भी वो चाह रहे थे, जैसा भी उनका जैसे बाद में उनका हृदय परिवर्तन होता है, तो ये सब चीज़ें वो पिलर्स में इंस्क्रिप्शंस के द्वारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप थोड़ा इग्नोर करेंगे, बैटल विक्ट्रीज लिखा हुआ है।
उन्होंने देखा कि जो भी इम्पीरियल सर्मन्स हैं उसको अगर पहुंचाना है लोगों तक, जो भी राजशाही बातें हैं अगर वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो उसका सबसे बेस्ट अगर कोई तरीका है तो वो ये है कि हम लोगों को ये बताएं कि आपसे, आपकी भाषा में आपके राजा कुछ कहना चाह रहे हैं और राजा आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं। उन्होंने क्या क्या अचीव किया है वो आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आप भी उसे सेलिब्रेट करो। अगर इसमें हम पिलर्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज ये 40 फीट हाई हुआ करते थे। यूजुअली ये चुनार सैंडस्टोन के बने हुए होते थे एंड इसके 4 पार्ट्स हुआ करते थे, इसके 4 पार्ट्स हुआ करते थे। इसके बारे में और ज़्यादा अगर आप समझना चाहें तो आप ये इमेज देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक इसका सबसे नीचे बेस होता है जो कि किसी भी डिज़ाइन का हो सकता है, जैसे इसमें थोड़ा लोटस शेप का है, लोटस को जैसे उल्टा किया हुआ हो। इसके ऊपर होता था एक प्लेटफॉर्म जिसे अबैकस कह रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक एनिमल की मूर्ति बनाई जाएगी, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो हॉर्स हो या लायन हो, कोई भी हो सकते हैं, किसी भी एनिमल की मूर्ति बनाई जा सकती है। ये 3 इसके मेन पार्ट्स हैं, राइट। अब आप यहां देख रहे होंगे ये भी एक प्रकार का पिलर है। ये पिलर क्या है, ये कौन सा पिलर है और कहाँ से लिया गया है बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स, लेट मी सी कि कौन सही आंसर दे रहा है। यस, अबाकस इज ऑलवेज बिलो एनिमल, आर्यन शर्मा। सारनाथ पिलर है, राइट। विश्वास गौतम आप गलत बोल रहे हो, अशोक स्तंभ। सारनाथ, सारनाथ, यस यस यस। सो अभी ये क्या बन चुका है, अभी हमारे लिए क्या बन चुका है, इट्स नॉट मेहरौली पिलर, ये सारनाथ पिलर है, राइट। अब ये क्या बन चुका है, वॉट इज दिस नाउ, अभी ये क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है अभी अभी के टाइम पे। नॉट सिंबल ऑफ इंडिया, नॉट सिंबल ऑफ इंडिया, ब्रह्मचारी कुछ और। यस, इट इज पार्ट ऑफ नेशनल एम्बलम। आर्यन शर्मा गेव द राइट, आर्यना शर्मा गेव द राइट आंसर, फर्स्ट आपने सही आंसर दिया, राइट। तो यहाँ इसके बारे में कुछ और चीज़ें जानेंगे हम नेशनल एम्बलम के बारे में, इससे पहले आपको थोड़ा पिलर के बारे में जानकारी देती हूँ। तो ये जो पिलर हैं इसमें हम देखते हैं कि एक कैपिटल है और उसके ऊपर वो लोटस शेप का, बेल शेप का, किसी भी शेप का होगा। उसके ऊपर हम देखते थे कि कोई भी एनिमल रह सकता है, उसकी कोई भी स्कल्पचर बनाए जाते थे। और ये कहाँ से इंस्पायर्ड था, ये ईरानियन पिलर से इंस्पायर्ड था। एंड ये हाईली पॉलिश हुआ करते थे, बिल्कुल लस्ट्रियस इसका फिनिश हुआ करता था। कैपिटल के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे सर्कुलर या रेक्टेंगुलर बेस होगा जिसको कि अबैकस कहते हैं, और उसके ऊपर कोई भी एनिमल फिगर को प्लेस किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए लॉरियन नंदनगढ़ पिलर सेकेंड, एंड जो सारनाथ पिलर है इन वाराणसी, राइट। अच्छा, सारनाथ पिलर की बात अगर करें तो वहाँ पे मैंने आपको अभी ये जो बताया था, ये जो अभी हमने इमेज देखी थी, यहाँ पे ये जो अबैकस और एनिमल वाला पार्ट है ना सारनाथ पिलर का, वो हमने ले लिया है और अब ये एक नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है। दिस इज नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। इसमें जो अबैकस है सारनाथ पिलर का लिया गया है, 4 एनिमल्स इसमें दिखाए गए हैं, एक है गैलोपिंग हॉर्स, एक है बुल, एक एलिफेंट है और एक लायन है। इसे कब बनाया गया था, इसे बनाया गया था जब फर्स्ट सर्मन हुआ था, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तना जब हुआ था तब। अच्छा, ये धर्म चक्र प्रवर्तना कब हुआ था, ये कौन से फर्स्ट सर्मन की बात हो रही है, ये कौन सा फर्स्ट सर्मन बोल रहे हैं यहाँ पे, वॉट इज दिस फर्स्ट सर्मन, ये किसने दिया था ये फर्स्ट सर्मन, ये क्या है धर्म चक्र प्रवर्तना, वॉट इज दिस। वॉट
वनडे वॉरियर आपको नहीं समझ आया? ठीक है, मैं एक और बार समझाती, डोंट वरी। हाँ बताइए। यस, जब बुद्ध ने अपनी फर्स्ट प्रीचिंग की थी सारनाथ में जाकर के। यस राइट, गॉट इट, सभी राइट आंसर दे रहे हैं, गुड। तो अच्छा, किसी को ये क्या पिलर वाला पार्ट समझ में नहीं आया? एनी वन ऑफ यू? यस, फर्स्ट जो टीचिंग बुद्ध ने दी वो ही, उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तना कहते हैं उस टाइम को, क्योंकि धर्म का चक्र जो है वो प्रवर्तित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो उसमें प्रवर्तना राइट। इसके बारे में थोड़ा सा एक और बार रिवाइज करते हैं, कुछ लोगों को जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ है, सबसे पहले क्या होगा ना, सबसे पहले कैपिटल होगा। कैपिटल का मतलब क्या है कि एक, मतलब ऐसे बनाएंगे, ऐसे मान लो कि मैं यहाँ पे फॉर्म करती हूँ, एक मान लो ऐसे कैपिटल बनाएंगे सबसे पहले। अब मान लो घर है, घर बनाते हैं हम, तो सबसे पहले नींव होनी चाहिए। कोई भी चीज बनानी है उसकी नींव तो होगी ना, उसका बेस तो होगा। तो ये बेस हो गया, उसके ऊपर मान लो कि आपने कुछ भी बेस बना दिया, आपने उसको लोटस के शेप का बनाया, कुछ भी बनाया, उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें कोई भी एनिमल जो है वो उसकी मूर्ति खड़ी रहेगी। तो यहाँ हमने इस प्रकार से, आप यहाँ देखिए, अगर ये जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है यहाँ पर, यहाँ कैपिटल है, ये क्या है, ये बेस है, ये क्या है, ये अबैकस है, और ये जो है ये एनिमल वाला पार्ट है, राइट? क्लियर हो गया? अब अगला एक और चीज आप समझेंगे, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स मच मोर इंपॉर्टेंट। स्तूपा, स्तूप के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसको लेकर भी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है? तो हम स्तूप की बात करते हैं। यहाँ आप इस इमेज को अगर थोड़ा ध्यान दें तो स्तूप होता क्या है, देखिए स्तूप के अंदर रखते क्या है, होता क्या है स्तूप, और उसको स्तूप के अंदर कैसे जाते हैं, डू यू नो? क्या हम स्तूप के अंदर जा सकते हैं, वो जो डोम है उसके अंदर कैसे घुस सकते हैं, बताइए। एक्चुअली डोम के अंदर हमें जाना ही नहीं होता है, उसके आसपास घूमना होता है, हमें प्रदक्षिणा करनी होती है, ठीक है? हमें उसके आसपास घूमना होता है, प्रदक्षिणा करनी होती है, राइट? नो, नॉट थ्रू तोरण, नॉट थ्रू तोरण। तोरण तो जस्ट एक सपोर्ट के लिए है, आर्यना। हाँ, बोन्स रख सकते हैं, गुड मोहित त्रिपाठी, राइट आंसर। एंड गेटवे से हम अंदर नहीं जा सकते हैं, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं है, ठीक है? कोई एंट्री नहीं है, अंदर जाने का कोई मतलब स्कोप नहीं है। देखो होता क्या है, इस चीज को समझे कि या शुभी, अभी मैं इसको दोबारा समझा रही हूँ आपको, डोंट वरी। यस, देर इज नो नीड टू गो इन साइड, राइट? किन्नू कौशिक, राइट आंसर, देर इज नो नीड टू गो इन साइड। हाँ, मैं अभी आपको बताती हूँ मेधी तोरण सबके बारे में, डोंट वरी। देखो अंदर जाने का कोई मतलब रीजन ही नहीं है, क्योंकि अंदर कुछ ऐसा है नहीं जो वहां पर कोई ऐसी, कोई जल चढ़ाना, पूजा पाठ करना, ऐसे टाइप नहीं होता है। यहाँ होता क्या है, देखिए मान लीजिए कि बुद्ध के द्वारा कोई चीज है जो यूज की गई है, मान लो कि बुद्ध ने जो है कुछ यूज किया, अब वो बुद्ध ने यूज किया तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई, अब उनसे जुड़ी हुई चीज हो गई, तो उसको हम ऐसे कहीं पे भी तो रख नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, मान लो कि उनकी कोई बोन है या कुछ भी है, जो भी हमें मिला, हमने उसको लेकर के आए, उसको एक पवित्र स्थान पर रखा और उसके ऊपर हमने प्लास्टर करना शुरू कर दिया, हमने उसको ब्रिक्स से ढक दिया, हमने उसको ईंटों से ढक दिया, कच्ची ईंटों से ढका, और उसके बाद उसके ऊपर से फिर प्लास्टर किया। प्लास्टर करते 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 देखा कि ये तो एक डोम बन गया है, राइट? अब इस डोम के आसपास लोग घूम सकते हैं, इसके आसपास लोग घूमेंगे और प्रार्थना कर सकते हैं, और इस डोम में आने के दो रास्ते रहेंगे, एक इधर से और एक इधर से, दो रास्ते रहेंगे हमेशा। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप इंद्रप्रस्थ स्तूपा देखिए, अगर आप एमपी में हैं तो आप सांची जाइए, जहां पे भी आप हो आपके आसपास स्तूपा होगा कहीं ना कोई, आप जाइए और उसको एक बार खुद से देखिए। एक तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है,
और दूसरी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है स्तूप का, ये डोम है, स्तूपा डोम, ये डोम है, ये मेन डोम है, ठीक है, ये मेन डोम है। और यहाँ तक पहुँचने का क्या रास्ता है, हम इसके जस्ट आसपास घूम सकते हैं। और घूमने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले मान लो कि आप आए घूमने के लिए, ठीक है, आप हो यहाँ पे, आपको अंदर जाना है, तो आप पहले तो अंदर कैसे जाओगे, गेट होना चाहिए जाने के लिए, तो गेट को क्या कहते हैं, तोरण, ठीक है, गेट को कहते हैं तोरण। तो ये है वेस्ट तोरण और यहाँ देखिए ये है ईस्ट तोरण, ठीक है, और एक तोरण सामने भी होगा फ्रंट में और एक होगा पीछे। चार गेट भी हुआ करते थे, चार रास्ते हुआ करते थे, ठीक। अगर आप मान लो वेस्ट की तरफ से आए तो वेस्ट तोरण से आप गए अंदर, आप अंदर गए, उसके बाद फिर आप रेलिंग क्रॉस कर चुके हो। ये रेलिंग जो है ये क्या है, ये रेलिंग जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो रेलिंग है, ये जो मैं अभी मार्क कर रही हूँ, ये रेलिंग है, ठीक है, ये रेलिंग है, ये स्टोन का फेंस बनाया हुआ है। अब जब आप यहाँ से ऊपर जाना चाहते हैं, आप यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ पे आप आ गए, यहाँ से आपको जो है ऊपर जाना, प्रदक्षिणा करने, प्रदक्षिणा करने के लिए आप स्टेयर्स पर चढ़ोगे, ये सीढ़ियाँ चढ़ोगे, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते 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 आप गए ऊपर, और अब आप इस डोम के आसपास घूम सकते हो, आप पूरा चक्कर लगा सकते हो, डोम के आसपास घूम के आ सकते हो। ये घूमने के लिए क्या आप यूज़ कर रहे हो, आप एक पैसेज वे यूज़ कर रहे हो, एक वॉकवे है जो कि अपर लेवल वॉकवे है जो कि बनाया गया है, ये प्रदक्षिणा करने के लिए बनाया जाता है। इसके ऊपर आप यहाँ देखें, अगर जो जो डोम है, डोम के ऊपर ये हर्मिका बनाया गया है, उसके ऊपर ये यस्ती बनाया गया है, यस्ती, और ऊपर आप देखोगे यहाँ पे छत्रा है, छत्रास। ये जो तोरण है ये गेटवे है, और जो मेधी है वो उसको सपोर्ट करने के लिए ये जो बनाया गया ना, दिस पार्ट इज मेधी। मेधी क्या होता है, सपोर्ट देने के लिए, जो डोम को सपोर्ट देने के लिए साइड से वो रेलिंग सी बनाई रहती है, उसको मेधी कहते हैं, ठीक है। अंदर जाने का कोई स्कोप नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये कोई ऐसा मंदिर टाइप नहीं है कि आप अंदर जाके देखोगे, नो, जो भी है ये बाहर से है और बाहर से ही इसको देखना होता है, इतना ही है ये स्तूप, ठीक है। तो स्तूप को बताते हैं हम, देखते हैं है क्या ये और ये स्टार्ट कैसे हुआ। अच्छा, स्तूप जो है वो कब से बनना शुरू हुए, कौन से टाइम से, कौन आया था जिसके बाद स्तूप बनने का सिलसिला शुरू हुआ, किसके बाद क्या हुआ था ऐसा जो स्तूप बनाने लगे लोग। नॉट त्रिरत्ना, त्रिरत्ना तो एक अलग चीज है, आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा अशोका, मैं राइट आंसर का वेट कर रही हूं, किसी ने तो बुक पढ़ी होगी, नॉट अशोका, अशोका जी नहीं है, राजेंद्र, नो, नॉट टू प्रिजर्व रिलिक्स आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, नो, रॉन्ग आंसर। देखिए मैं बताती हूँ, ये जो हम यहाँ अभी देख रहे हैं दिस डोम स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है कि ये बुद्ध के टाइम पे बनने लगा, ये बहुत पहले से बन रहे थे, ये वेद जो टाइम है, वैदिक एरा, उसी से चल रहा है, बन रहा है। तो जब से, मतलब आप कह के चलें कि लेटर वैदिक एरा के बाद ये स्तूप बनना शुरू हो गए थे और स्तूप बना करते थे, पहले भी ये बना करते थे। ये स्तूप है क्या, स्तूप कोई मंदिर नहीं है या बुद्ध से जुड़ी हुई कोई चीज नहीं है, ठीक है। सो स्तूप जो है ये क्या है, ये एक तरह का बरियल माउंड है, ये एक तरह का बरियल माउंड है जो कि इंडिया में प्रिवेलेंट था फ्रॉम वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड से ये चल रहा है। इसमें क्या हो रहा था कि किसी के भी, मतलब ऐसे रिलिक्स हैं, एशेज हैं, तो डेड के कोई भी ऐसा इंसान है तो उसके हम रखते थे एशेज वगैरह, जैसे अभी भी आप देखिए लोग अस्थियां रखते हैं, फिर अस्थियों को बाद में बहाया जाता है, लोग अस्थियां संभाल कर रखते हैं, तो ऐसे पहले से ही रखा जाता था। लेकिन ये अशोक के टाइम पर ये क्लाइमेक्स पर पहुंच गया, बहुत सारे स्तूप बनने लगे, 84,000 स्तूप जो है इरेक्ट हुए थे, और वैदिक ट्रेडिशन का ये पार्ट था
और वैदिक ट्रेडिशन में इस प्रकार से चीजें होती थी, लेकिन ऐसे ये जो बाद में ये पॉपुलर हुआ तो वो पॉपुलर हुआ बुद्धिस्ट के द्वारा। बुद्धिज्म जब आ गया तो उसके बाद, और जब बुद्ध की डेथ हुई, द स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर, डेथ जब हुई बुद्धा की, तो 9 स्तूप बनाए गए थे, जिसमें से 8 जो हैं उसमें बुद्ध के रेलिक्स हैं उनके मेधी में, और जो 9th है उसमें एक पॉट है जिसमें कि उनके रिलिक्स को ओरिजिनली रखा गया है। ये बेसिक डायग्राम जो हमने देखा स्तूप का, वो यहाँ दिया गया है, और इसके अंतर्गत बताया गया है कि ये स्तूप किस प्रकार से बनाए जाते थे। राइट, यहाँ पे हम ये समझ चुके कि स्तूप जो है वो बुद्ध के बाद या अशोक के डेथ के बाद बनने शुरू नहीं हुए थे, ये वैदिक टाइम से ही चल रहा है, मतलब बहुत पुराने समय से। वैदिक एरा कब हो रहा है? जब आर्यंस आ गए थे उसके बाद से। राइट, तो अब हम स्तूप की अगर हम बात करें, जो कोर होता है स्तूप का वो बना है अनबर्नड ब्रिक्स से, मतलब कि पहले कच्ची ईंटों से बनाया गया है। अब गाइस देखिए, अगर आप इस चीज का हिस्टोरिकल पार्ट भी पढ़ना चाहते हो और देखना चाहते हो कि मतलब ये क्यों बने, क्या इसका रीजन था, क्यों बुद्ध आए और उनकी टीचिंग कैसे कैसे आगे बढ़ी, लोगों का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल सारे डायमेंशंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हिस्ट्री को पढ़ें, एनसीईआरटी को 6 to 12th पढ़ें, आर्य शर्मा पढ़ें, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व हैं जो कि एक अकेले कोर्स में कवर नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एक आर्ट एंड कल्चर की सीरीज है, तो इसमें हम आर्ट एंड कल्चर पर ही फोकस कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को हम कवर नहीं कर पा रहे। या आप एक और काम कर सकते हो, आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लान इज देयर। अगर आप सब्सक्रिप्शन के लिए लेते हैं तो आपको जितने भी प्लस कोर्सेज हैं वो आप सारे देख सकते हो, उसका अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाता है, आपको उसमें क्विज भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपकी उसमें मतलब समझ लो एक टाइप का टेस्ट सीरीज मिल जाता है आपको, फिर आपकी उसके अंदर रैंकिंग भी आती है, और आप इसको एक ट्राई दे के देखिए और आप फिर आपको खुद लगेगा कि इसे कंटिन्यू करना चाहिए। तो बिना इसके बारे में जाने और इसके बारे में नेगेटिव सोचना सही नहीं है। इफ़ यू कैन अफोर्ड, और अगर आपको लगता है कि आपको एक रियलिटी में एक प्रोफेशनल डायरेक्शन की ज़रूरत है, जिसमें आप लाइव क्लासेस में जाएं, आपको नोट्स मिले, आपको स्टडी मटेरियल मिले, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसके लिए डिसीजन लो। कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो एजुकेटर्स हैं वो टॉप एजुकेटर्स हैं ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जो कि पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। अगर आप मेरे बारे में बात करें तो मैं पिछले 1 साल से पढ़ा रही हूँ अनअकैडमी पर, और फ्री प्लेटफॉर्म पर भी आप लेसन्स को देख सकते हैं, जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है वहाँ पर भी आप बाकी सारी बुक्स की जो समरीज मैं बनाती रहती हूँ वो देख सकते हैं। आप मेरा नेम सर्च कर सकते हैं, आरती मिश्रा, और वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। राइट, सो गाइज, ये जो कोर्सेज होते हैं ये आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। अब अगर हम वापस अपने टॉपिक पे आएँ, तो स्तूप की बात कर रहे थे हम, तो स्तूप के बारे में हम जान रहे थे कि जो स्तूप का कोर है वो अनबर्नड ब्रिक्स से बना हुआ था, यानी कि कच्ची ईंटों से बना हुआ है, और जो आउटर सरफेस है वो बर्नड ब्रिक्स से बना हुआ है, और उसको फिर थिक लेयर ऑफ प्लास्टर से कवर किया गया है। इसमें जो मेदी और जो तोरण है उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता था, उसके लिए वुडन स्कल्पचर्स को यूज किया जाएगा या किसी भी तरह से यूज किया जाएगा और उसको डेकोरेट किया जाएगा। जो डिवोटीज हुआ करते थे वो प्रदक्षिणा पथ पर चलेंगे, और ये एक ओपन पैसेज भी होगा जिसमें कि वो वर्शिप के लिए ऐसे चलते थे। सांची स्तूप की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, जो कि मोस्ट फेमस है अशोकन स्तूप्स में। फिर है पिपरावा स्तूप, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये ओल्डेस्ट है। फिर लोकेशन अगर हम 9 स्तूप की देखें जो कि बुद्ध के डेथ के बाद बनाई गई थी, तो वो है राजगृह में, वैशाली में, कपिलवस्तु में, अल्लकप्पा में, रामग्राम में, वेतपिड़ा, पावा, कुशीनगर एंड पिपलिवाना में। अभी डिफरेंस क्या है बिटवीन अशोकन पिलर्स एंड अकेमानियन पिलर्स? तो अशोकन पिलर्स का अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें क्या होता था कि ये मोनोलिथिक हुआ करते थे, इनका जो शाफ्ट बनता था वो मोनोलिथिक हुआ करता था, एक ही प्रकार का पत्थर है जिसके ऊपर नक्काशी करके, इंस्क्राइब करके, सिंगल पीस ऑफ स्टोन से पूरा का पूरा पिलर बनाना होता है, और ये ज्यादातर चुनार सैंडस्टोन के बनाए जाते थे।
लेकिन जो ईरानियन पिलर्स हैं उसमें हम देखते थे कि वेरियस पीस ऑफ सैंडस्टोन्स को सीमेंट करके साथ में मिला करके तब पिलर्स को बनाया जाता था। अशोकन पिलर्स की जो लोकेशन है वो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, और वो ज़रूरी नहीं है कि महल में ही होगी या महल के आसपास ही होगी, ये कहीं कहीं पे भी होती थी, अफगानिस्तान में भी हो जाती थी, तो बहुत सारे इनके हमें इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिलते रहते थे। लेकिन अगर हम बात करें एक्मानियन पिलर्स की, तो ये जनरली स्टेट की बिल्डिंग से ही अटैच हुआ करता था। तो ये डिफरेंस है बिटवीन अशोकन पिलर एंड एक्मानियन पिलर्स। अब हमने स्तूप का जो पार्ट है वो कवर कर लिया है, अब हम केव आर्किटेक्चर की बात करेंगे, जहां पर हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल इनिशिएटिव की। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो था कोर्ट इनिशिएटिव, जो राजा के द्वारा दरबार से जो चीजें इनिशिएट हो रही हैं। अब हम पढ़ेंगे केव आर्किटेक्चर को, जहां हम देखेंगे कि रॉयल पैट्रोनेज के अलावा भी बहुत सारी चीजें जो है डेवलप हुआ करती थी, बहुत सारे लोग और भी कुछ कुछ बनाया करते थे। तो हम यहाँ पर रॉयल पैट्रोनेज के अलावा जो चीजें बन रही हैं उसकी बात करेंगे। तो अगर हम बात करें स्कल्पचर और पॉटरी की, तो ये चीजें हैं जो कि इंडिविजुअल एफर्ट से बनाई जा सकती थी। इसको हम कहते हैं कि ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव है। कई सारे केव आर्किटेक्चर्स भी हम इस टाइम में देख रहे थे, और लोग देख रहे थे कि रॉक कट केव का इमर्जेंस हो रहा था। मॉरियन पीरियड में जो केव्स हैं, जनरली अगर आप उसकी बात करें तो ये जो केव्स हैं ये विहार के रूप में यूज़ किए जाते थे, दे वर जनरली यूज एज विहारास। ये अगर विहार है कहीं पे भी तो विहार का मतलब है लिविंग क्वार्टर, ठीक है, विहार का मतलब है लिविंग क्वार्टर, जहाँ पर जो जैन या बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो रहेंगे, और जहाँ वो पूजा करेंगे, जहाँ वो अपनी वर्शिप करेंगे, प्रेयर करेंगे, उसको चैत्यास कहा जाता था, चैत्यास। अगर हम अर्ली केव्स की बात करें तो ये यूज़ किया जाता था, इसमें जो अर्ली केव्स हैं ये जैन आजीविकास के द्वारा यूज़ किए जाते थे। बाद में इन्हीं को बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बना दिया गया, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करके रखा गया। मॉडर्न पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ हाईली पॉलिश्ड और फिनिश्ड जो इंटीरियर वॉल्स हैं वो देखने को मिलती हैं। गेटवेज बहुत बड़े बड़े और डेकोरेटेड हुआ करते थे। एग्जाम्पल के लिए बाराबर एंड नागार्जुन केव्स जो कि बिहार में है, ये दशरथ के टाइम पर बनाए गए थे, जो कि अशोक के बेटे थे उनके वक्त में बनाए गए थे। अगर यहाँ हम स्कल्पचर्स की बात करें तो प्राइमरीली स्कल्पचर का जो यूज़ है वो है डेकोरेशन के लिए, मूर्तियों का जो यूज़ है वो डेकोरेशन के लिए था। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से डेकोरेशन के लिए मूर्तियाँ बनाई जाती थी। स्तूप को डेकोरेट करने के लिए, या जो गेट है बड़ा सा स्तूप का उसको डेकोरेट करने के लिए तोरण और मेधी जो है वो उनको बनाया जाता था। दो फेमस स्कल्पचर हैं मॉडर्न पीरियड के इस टाइम में जो हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, यक्ष और यक्षिणी। ये यक्ष और यक्षिणी कौन है, ये यक्ष और यक्षिणी कौन है बताइए इसके बारे में। लेट मी चेक कौन कौन सही आंसर दे रहा है। यस आर्यना, विहार वॉज फॉर लिविंग एंड चैत्यास वॉज फॉर प्रेयर्स। कौन है ये लोग? पालिंद्र, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत डायरेक्ट आते हैं, जो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपसे अलग अलग चीजों की मीनिंग पूछी कौन जा है ये सकती लोग? है, या कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिला है ये पूछा जा सकता है, राइट। द्वारपाल जैन धर्म से रिलेटेड है, द लॉर्ड ऑफ वेल्थ, फर्टिलिटी ऑफ यक्ष एंड यक्षिणी, बुद्ध की सिस।
देखो मैं बताती हूँ इसके बारे में आपको। देखिए गाइस, ये जो यक्ष और यक्षिणी हैं, इनका रिलेशन सभी तीन धर्मों से है, जैन धर्म से भी है, हिंदू धर्म से भी है और बुद्धिज्म से भी है। ये समझ के रखिए कि ये ना बड़े पॉपुलर कैरेक्टर्स हुआ करते थे। जैसे उस टाइम में जो एपिक्स और जो नॉवेल्स लिखी जाती थी उसमें यक्ष और यक्षिणी के कैरेक्टर्स हुआ करते थे। जैसे कि आजकल हम देखें तो बहुत सारी मूवीज होती हैं जो हमें अच्छी लगती है, तो उसके कुछ फेमस कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमें याद हो जाते हैं, लाइक डॉन हो है कोई, राइट? जैसे कोई डॉन होता है, हमें पता है, अच्छा डॉन कोई होता है। ऐसे हमें बहुत सारे फेमस फेमस कैरेक्टर्स रहते हैं जो कि हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। जैसे कि मूवीज के अंदर, शाहरुख खान की मूवीज के अंदर राहुल, सिमरन, इस टाइप की जो मूवीज होती थी, बहुत सारे ऐसे फेमस फेमस कैरेक्टर्स होते हैं, स्पाइडरमैन, सुपरमैन। ये रियलिटी में थोड़ी ना है, ये तो मूवीज में होते हैं बस। या अगर ऐसा कुछ है और उसे इंस्पायर होकर के ये कैरेक्टर्स बनाए गए हैं तो भी उसकी रियलिटी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये बड़े फेमस कैरेक्टर्स हुआ करते थे, इससे लोग बहुत रिलेट करते थे। तो यक्ष और यक्षिणी का मेंशन हमें बहुत सारे पुराने पुराने नॉवेल्स में देखने को मिलता है, जैसे कि सिल्पदिकारम, ये एक तमिल टेक्स्ट है। सिमिलरली जितने भी जैन तीर्थंकर थे अगर हम देखें तो वो यक्षिणी से एसोसिएटेड हैं, यक्षिणी के बारे में बहुत सी बातें होती हैं। तो इसमें यक्ष और यक्षिणी, ये जो दो स्कल्पचर्स हैं, ये फेमस कैरेक्टर्स हैं जो कि उस टाइम के एपिक्स और नॉवेल्स में दिखाए जाते थे। अगर इस टाइम की पॉटरी की बात करें तो लोग जो पॉटरी बना रहे थे उसको जनरली कहा जाता है नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। ये इसे आप पेंटेड ग्रे वेयर भी कह सकते हैं। और इसमें जो ब्लैक पेंट होता था वो किया जाता था, हाईली लक्जरियस फिनिश होता था। ये एक प्रकार का लग्जरी आइटम है जिसको ओकेजन्स पे यूज किया जाता था, कभी भी ऐसे ही डेली यूज के लिए इसको प्रयोग में नहीं लाते थे, और इसे हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉटरी माना जाता है। तो स्कल्पचर्स हमारा कवर हो गया, पॉटरी कवर हो गया, तो मौर्यन आर्ट इज डन नाउ, हमने मौर्यन आर्ट को कवर कर लिया। ठीक है, तो अब हम जो है जानेंगे पोस्ट मौर्यन आर्ट के बारे में। अब हम पोस्ट मौर्यन आर्ट के बारे में जानेंगे। अब मौर्यन एम्पायर जब डिक्लाइन हो गया 2nd सेंचुरी BC में, जैसे कि मान लो कि कोई बहुत बड़ा रूलर है, अगर उसकी डेथ हो जाए और उसके सक्सेसर बहुत वीक हैं तो क्या होगा? अगर कोई बहुत बड़ा किंगडम खत्म हो जाए तो उसके बाद क्या होता है? जनरली हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं कि क्या कैसे चीजें बदल जाती हैं, किसी बहुत बड़े राजा की अगर मृत्यु हो जाए या बहुत बड़ा किंगडम अगर वीक हो जाए तो क्या होता है? यस मीनाक्षी, इसके अलावा देर आर सो मैनी एक्सप्लेनेशन इफ यू वॉन्ट मी टू गिव। लाइक उनको अगर आप देखें तो देवर लाइक द्वारपाल जो कि गेट पे रहा करते थे, और यक्ष यक्षिणी की बहुत सारी स्टोरीज हैं क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर्स पूछा करते थे, वो लोगों से रिलेट करते थे, लोगों तक राजा का संदेश पहुंचाना और उसके बारे में बात करना, ये है। इसके बारे में आप जितना चाहे वो देख सकते हो, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग जो बेसिक लेवल की हमें जनरली चाहिए उसके लिए हम ये मान सकते हैं कि देवर जस्ट फेमस कैरेक्टर्स। ओके, फॉल डाउन तो हो जाएगा, लेकिन क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी दिन क्लास में क्लास टीचर ना आए, एबसेंट हो जाए, तो क्या होता है? सारे स्टूडेंट्स खुद को मॉनिटर समझने लगते हैं, खुद ही सारे मतलब अपने आप में सोचते हैं कि हम ही इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर से अनुराग, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मोर देन 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, आप मान के चले 5 to 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं आर्ट एंड कल्चर से। राज्य में अराजकता फैल जाती है और राज्य नेतृत्व हीन हो जाता है।
हाँ, सीएससी फुलपुर राइट आंसर। बहुत सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज आ जाती हैं, इंस्टेबिलिटी तो आती ही है लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज भी आ जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही कही आपने, तो राइट है। चलिए इसको थोड़ा देखें, तो अगर हम बात करें पोस्ट मौर्यन आर्ट की, तो हम देखते हैं कि जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ 2nd सेंचुरी BC में, तो कई सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज जो हैं वो आ गई, और ये हमें इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिल रही थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मौर्यन एम्पायर था उसने एक बहुत बड़े साम्राज्य को अपने साथ में रखा हुआ था, सारे छोटे छोटे किंगडम्स को मिला लिया था, सबको जीत लिया था। जैसे ही ये एम्पायर डिक्लाइन होगा, तो अब जो है शुंगाज, कनवाज, कुशाणाज, शाकाज आ जाएंगे, सातवाहन्स भी आ जाएंगे, इश्कवाकूस, अभिराज, वाकाटक्स आ जाएंगे सदर्न इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में। तो हम देखेंगे कि बहुत सारा डेवलपमेंट होगा, छोटे छोटे किंगडम्स आएंगे, छोटे छोटे डायनेस्टीज निकल के आएंगी, बहुत सारे रिलीजियस सीन भी हम देखेंगे। जैसे कि ब्राह्मणिकल सेक्ट जो है उसमें भी हम देख रहे थे कि डिवीजन हो रहा है, उसमें शिव भक्त थे जो कि शैवेट्स कहलाते थे, विष्णु भक्त वैष्णवेट्स, शक्ति जो कि शक्ति की पूजा करते थे, देवी की पूजा करते थे। तो हम देख रहे थे कि अलग अलग पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं। इसमें अगर हम रॉक कट केव्स को देखें थोड़ा, तो हम और भी ज्यादा इसके बारे में जानकारी निकाल सकेंगे। तो रॉक कट केव्स जो हैं, इनका कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू हो रहा था और इनको जो है बनाया जा रहा था। तो इसमें हम देखते हैं कि रॉक कट केव्स को मॉडर्न पीरियड में जो चल रहा था वो अभी भी कंटिन्यू है। इनका डेवलपमेंट दो प्रकार से है, चैत्यास और विहाराज, जो कि मैंने आपको बताया विहार रेजिडेंशियल हॉल होता है बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स के लिए, और ये डेवलप किया जा रहा था मौर्यन एम्पायर में। और जो चैत्या हैं ये डेवलप हो रहे थे ड्यूरिंग द टाइम जब जब मौर्यन एम्पायर में, जो मतलब आप मान के चलें कि पूजा पाठ करनी है बुद्ध धर्म में के लिए भी, ये चाहिए था कि बुद्धा जो हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं रखना है, उनको प्रेयर करना है, चीज़ों को पढ़ना है, तो उसके लिए प्रेयर हॉल्स होते थे, इसमें चैम्बर्स बनाए जाते थे और वहाँ पर फ्लैट रूफ हुआ करता था ज़्यादातर। यहाँ पे जो हम केव्स देखेंगे उसमें एक खुला आंगन हुआ करता था, स्टोन स्क्रीन की वॉल हुआ करती थी जो कि रेन से उनको बचाएगी, और काफ़ी सारा यहाँ पे डेकोरेशन रहता था, ये ह्यूमन और एनिमल फिगर से डेकोरेटेड रहते थे। एग्जाम्पल के लिए करलिए चैत्या हॉल, अजंता केव्स, 29 केव्स जो है अजंता में, उसमें से 25 जो है विहार है और 4 चैत्यास हैं अजंता केव्स के अंदर। तो यहाँ हम एक एक करके इन केव्स के बारे में भी बात करेंगे आगे। एक बार स्तूप को देखेंगे कि स्तूप का क्या हुआ। देखिए स्तूप तो मौर्यन एम्पायर में बढ़ ही रहे हैं, बन ही रहे हैं, लेकिन जब लेटर पीरियड शुरू होता है, लेटर मौर्यन एम्पायर, तो बाद में हम देखते हैं कि स्तूप और भी ज्यादा बड़े बड़े बनने लगे, बिकेम लार्जर। स्तूप जो है अब पहले से ज्यादा बड़े बड़े बनने लगे, ये लार्ज हो गए और बहुत ज्यादा डेकोरेटिव हो गए, और इसमें स्टोन का यूज ज्यादा होने लगा। पहले क्या था, पहले वुड का और ब्रिक का ज्यादा यूज था, पहले वुड और ब्रिक का ज्यादा यूज था। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मौर्यन एंड लेटर मौर्यन पीरियड, या पोस्ट मौर्यन पीरियड में स्तूप का क्या हुआ, हाउ वॉज इट डिफरेंट, वॉट वॉज द डेवलपमेंट। सो डिफरेंस ये है कि पोस्ट मॉडर्न टाइम में वुड और ब्रिक की जगह पर स्टोन का ज्यादा यूज होने लगा, पत्थरों का ज्यादा यूज होने लगा स्तूप को बनाने के लिए। इसमें जो शुंग डायनेस्टी है इसने आइडिया इंट्रोड्यूस किया तोरण का, और तोरण जो है बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हुआ करते थे, इसकी बहुत अच्छी कार्विंग हुआ करती थी, बहुत सारे इसमें फिगर्स और पैटर्न्स हुआ करते थे, और इसमें हम देखते थे कि हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस है, यानी कि फॉरेन इन्फ्लुएंस है, ग्रीक इन्फ्लुएंस है। एग्जाम्पल के लिए भारत स्तूपा उत्तर प्रदेश में, तोरण जो कि सांची स्तूपा का तोरण है वो, ये सब स्तूप है। अब गेट भी बहुत बड़े बड़े होंगे, बहुत बड़ा मतलब डेकोरेशन होगा, बहुत पहले से काफी बड़े साइज के जो स्तूप है वो बनाए जाते। अब हम एक बार इसका थोड़ा सा देखेंगे कि इस टाइम में जो डिफरेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स डेवलप हो रहे थे उनका क्या आपस में मतलब रिलेशन है और कैसे वो एक दूसरे से अलग हैं। तो
इसमें हम आज बात करने वाले हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। गांधार, मथुरा एंड अमरावती, ठीक है, ये अलग अलग स्कूल्स हैं। अच्छा, अलग अलग स्कूल्स हैं मतलब क्या? स्कूल ऑफ आर्ट का क्या मतलब है? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट अलग है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट अलग है, इसका क्या मतलब हुआ? कैसे ये अलग है एक दूसरे से? स्कूल ऑफ आर्ट मतलब क्या होता है बताइए। स्तूप इज बोथ मेमोरियल एंड रिलीजियस, बिकॉज स्तूप में हम मेमोरी के लिए भी उनके लिए बना रहे हैं और इसका रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी है। ठीक है, डिफरेंट स्टोन यूज डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ग्रुप है अलग अलग तरह से मान के चलो, ठीक है। दिस इज लाइक अ, हाँ, कलाकारी के तरीके पे डिवाइड किया गया है, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, गुड गुड, अलग अलग शैली है उनकी बनाने की। और ये स्कूल ऑफ आर्ट का मतलब क्या है? कि अलग जगह पर डेवलप हो रहे हैं, उनका अपना ग्रुप है, उनको बनाने वाले जो लोग हैं वो अलग है, उनको बनाने वाले जो लोग हैं वो भी अलग हैं। इस चीज को हम देखें अगर, तो गांधार, मथुरा, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का मतलब ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से कैसे अलग है? क्योंकि दोनों के बनाने के तरीके अलग हैं, दोनों को बनाने वाले लोग अलग हैं, उनमें जो मटेरियल यूज हो रहा है वो अलग है, तो इनका ग्रुप अलग हो गया। स्कूल ऑफ आर्ट का मतलब क्या? कि अलग अलग हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की। इसमें इन्फ्लुएंस है हेलिनिस्टिक, ग्रीक फीचर्स है। अब ये फीचर्स कहाँ से आए बताइए? ये जो ग्रीक फीचर है, ये जो हेलिनिस्टिक फीचर है, ये कैसे आ गया इंडिया में? जैसे कि अभी हमने ये समझा कि जो मौर्यन एम्पायर था, जब वो डिक्लाइन हुआ तो पोस्ट मौर्यन इंडिया में क्या हुआ? बहुत सारा फॉरेन इन्वेशन होने लगा, छोटे छोटे किंगडम्स एमर्ज होने लगे। अब जब फॉरेन इन्वेशन हो रहा है और जो बाहर के ट्रेडर्स आ रहे हैं, तो उनके द्वारा उनके जो आइडियाज है वो भी तो हम तक पहुंचेंगे और उनका इन्फ्लुएंस हम तक पहुंचेगा। तो वो जो रोमन स्टाइल है, वो जो ग्रीस में स्टार्ट चल रहा है, वो जिस प्रकार से विदेशों में अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स को यूज कर रहे हैं, वैसा हम सीख जाएंगे उनसे और उसको डेवलप करेंगे। इस टाइम में ग्रे सैंडस्टोन का यूज हुआ करता था और लाइम प्लास्टर का भी यूज किया जाता था, स्टुको विद लाइम प्लास्टर। ग्रे सैंडस्टोन का यूज करके मूर्तियां बनाई जाती थी। ज्यादातर इसमें बुद्धिस्ट इमेजेस ही हमें मिली हैं। और इसको पैट्रोनेज कौन दे रहा था? कुषाण, कुषाण रूलर्स इसको पैट्रोनेज दे रहे थे। ये हमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिल रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमें ये मिल रहे हैं। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्यों मिल रहे हैं? ये क्या दर्शा रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का? और ये जो ग्रीक एंड हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस है, जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है, उसके होने में इन दोनों में क्या रिलेशन है इन दोनों पॉइंट्स में? देखिए, हम ये देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है, यहां पर क्या हो रहा था? यहाँ पे पासेस थे, बहुत सारे पासेस थे, माउंटेन पासेस थे, और उन दर्रों से होकर के लोगों तक पहुंचना आसान है, इंडिया तक आना आसान है, एंटर होना आसान है। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पासेस थे उस तरफ, और वहीं से तो आ रहे थे ना सारे फॉरनर्स, सारा इन्वेशन तो उधर से ही हो रहा है, क्योंकि बाकी सबसे जगह से तो इंडिया पूरा घिरा हुआ है।
आना ही मुश्किल है, और इसीलिए उसी तरफ हमें हेलिनिस्टिक इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, इसीलिए उसी तरह टाइम हमें फॉरेन इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है और उसी जगह पर ज्यादा मिल रहा है। इसमें जो बुद्ध की इमेजेस हैं वो बहुत ही स्टाइलिश हैं, उनके बाल बहुत ही वेवी हैं, उनके जो है दाढ़ी और मूंछ है, बियर्ड और मॉस्टेज है, उनकी बॉडी बिल्कुल लीन है, और वो इसमें जो बुद्ध हैं वो बैठे हुए बुद्धा भी हैं, बुद्धा बैठे हुए हैं और बुद्धा खड़े हुए वाले भी हैं, स्टैंडिंग इमेजेस भी हैं बुद्धा की। उनकी जो आंखें हैं वो हाफ क्लोज्ड हैं और उनकी जो कान हैं वो बड़े बड़े हैं, उनके जो ईयर्स हैं वो लार्ज हैं, कान उनके बहुत बड़े हैं। अच्छा, आंखें आधी बंद होना मतलब तो होता है कि मेडिटेशन, लेकिन कानों का बड़ा होना मतलब क्या होता है? ईयर बहुत लार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ? ईयर अगर लार्ज है तो ये क्या दर्शाता है बुद्ध के बारे में? बड़े बड़े कान क्या दर्शाते हैं किसी के बारे में? लेट मी सी कि कौन कौन इस चीज को समझता है। अभी मैं आपको फेस रीडिंग सिखा रही हूँ, देखो आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ फ्री में। यस, चाइना ने चाइना वॉल ऐसे ही फॉरेन इन्फ्लुएंस से बचने के लिए बनवाया था। मानस श्रीवास्तव, वेरी नाइस, ग्रेट। सतर्क रहना, गुड विवेक, नाइस ट्राई, डीप थिंकिंग। वेरी क्लेवर। अच्छा देखिए, जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग अच्छा बोलते हैं, ठीक है? नो, लकी नहीं। देखो जो लोग यस, एनलाइटमेंट तो है ही बिल्कुल, हाँ। अच्छा, जो लोग अच्छा इंटेलिजेंट है, मान लो जो लोग इंटेलिजेंट है वो लोग अच्छा बोलेंगे। और किसी भी अच्छे स्पीकर की सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है? ऑलवेज अ गुड स्पीकर इज ऑलवेज व्हाट? एक अच्छा स्पीकर कौन होता है? एक अच्छा बोलने वाला इंसान कौन होता है? जो अच्छा सुन सकता है, वन हु कैन लिसन, ही शुड बी अ गुड लिसनर फर्स्ट, ही शुड बी अटेंटिव। वो एक अच्छे लिसनर होने चाहिए। जब तक आप अच्छे से सुन नहीं सकते तब तक आप अच्छे से बोल नहीं सकते, राइट? इसका मतलब वो अच्छे लिसनर हैं और अच्छा बोलते हैं, वो सुनते हैं सबकी, वो सबकी सुनते हैं और सबको प्रीच करते हैं और सबको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। ये दर्शाया जा रहा है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से, ठीक है? यस, ओके। सो ये हमें क्लियर हुआ कि वो अच्छे वक्ता हैं, क्योंकि वो अच्छे श्रोता है, वो सबकी सुनते हैं, ही इज इंटेलिजेंट। हमेशा जो बड़े बड़े कान हैं वो इंटेलिजेंस को दिखाते हैं। लेकिन मथुरा में इसका उल्टा है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बिल्कुल इसका ऑपोजिट है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इंडिजिनस है अपने नेचर में। इंडिजिनस अपने नेचर में रहने का मतलब ये हुआ कि वो इंडियन है, ठीक है? मतलब वो इंडियन है, मतलब उसमें जो फॉरेन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। जो भी भारत का सामान मिल रहा है, भारत का जो कल्चर है, भारत का जो स्टाइल है, वो हमें मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में देखने को मिल रहा है। ये कौन से चीज का यूज कर रहे हैं, कौन से मटेरियल का यूज कर रहे हैं? स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, जो कि वहां पर मिल रहा है, जो कि उस रीजन में लोकली अवेलेबल है, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुद्ध की इमेजेस बनाई जाएंगी। मथुरा क्यों फेमस है बताइए? मथुरा में क्या है ऐसा जिसके लिए आज भी मथुरा बहुत फेमस है? व्हाई मथुरा इज फेमस? क्यों लोग जाते हैं मथुरा, मथुरा के पेड़े खाने? कृष्ण जन्मभूमि है वहां पर, राइट? मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है और वहां से तीर्थ की यात्रा करने के लोग जाते हैं, ठीक है? चार धाम की जो यात्रा है उसमें मथुरा है जहां से चीजें स्टार्ट होती हैं, तो इसीलिए वहां पे हम देखते हैं कि कृष्ण की कई सारी मूर्तियां बनाई जाती हैं। कृष्ण का बड़ा वहां पर मतलब बहुत कहो कि नशा है एक तरह से। बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदू इमेजेस हमें यहाँ पे मिलती हैं। तीनों ही, बुद्धिज्म की भी मिलेंगी, जैनिज्म से रिलेटेड चीजें भी और हिंदू से भी।
और इसको पैट्रोनेज कौन दे रहे थे? इस टाइम में भी कुशान पैट्रोनेज दे रहे थे। अब कुशान दोनों जगह पैट्रोनेज दे रहे हैं। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के टाइम में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी कुशानों का पैट्रोनेज है, ठीक है, और यहां नॉर्थ इंडिया में भी कुशानों का पैट्रोनेज है। ये क्या दर्शा रहा है कुशानों के बारे में, उनके एम्पायर के बारे में? इससे क्या पता चला हमें? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को भी दे रहे हैं पैट्रोनेज और मथुरा को भी दे रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है मथुरा, जो ये कुशान, उनके बारे में क्या पता चला हमें इससे? हमें उनके एम्पायर की वास्टनेस पता चल रही है। पैट्रोनाइज तो मिल ही रहा है, राइट, और क्या पता चल रहा है नवदीप? उनका किंगडम के बारे में पता चल रहा है कि उनकी टेरिटरी कहाँ तक तक फैली हुई थी, लार्ज एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई किया था, एंड वो लिबरल भी हैं। आशीष अंकित, राइट आंसर, दे आर ऑल्सो लिबरल। CSC फुल फॉर राइट आंसर, सर्वधर्म संभवा। वो चाहते हैं कि सभी को वो माने और सभी को वो पैट्रोनेज दे रहे हैं। एंड क्या ये सेकुलर नहीं है? क्या ये सेकुलर नेचर को नहीं दर्शाता? यस और नो? सेकुलर, यस, दे आर सेकुलर ऑल्सो। और ये सेम टाइम पर भी बने हैं। वेरी गुड दीप यादव, वेरी नाइस, गुड, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हैं रीजन्स थे मथुरा के, जहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हो रहा है। मेनली जो रीजन मथुरा का है और नॉर्थ इंडिया का जो इलाका है वहाँ पर ये था। यहाँ जो बुद्धा है वो डिलाइटेड है, स्पिरिचुअल लुक नहीं है बुद्धा का, बुद्धा डिलाइटेड है, खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ना उनकी कोई दाढ़ी है, ना मूंछ है, उनकी बॉडी बिल्कुल मस्कुलर है, मस्कुलर फीचर है उनकी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉडी है। और ज़्यादातर बुद्ध यहाँ पे बैठे हुए हैं, सीटेड हैं। उनकी आंखें जो है खुली हुई हैं और उनकी कान बहुत छोटे हैं, स्मॉल ईयर्स। स्मॉल ईयर्स क्या दिखा रहे हैं? कि वो बहुत डिलाइटेड है, ही इज एंजॉइंग द लाइफ, वो इंजॉय कर रहे हैं। डिलाइटेड बुद्धा हैं, हैप्पीनेस का सोर्स है ये वाली जो मूर्ति है, वो हैप्पीनेस का सोर्स है, पॉजिटिविटी का सोर्स है, खुश रहने का सोर्स है। वो कह रहे हैं कि दुख नहीं करना है हमें, हमें डिजायर्स के पीछे नहीं भागना है, वरना सफरिंग होगी। तो सफरिंग से निकलने का अच्छा तरीका है डिजायर्स मत करो और खुश रहो। ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से हमें पता चलता है। तीसरा है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट भी इंडिजिनस है अपने नेचर में। इसमें भी वाइट मार्बल का यूज किया जाता था। इसमें मेनली बुद्धिज्म इमेजेस हमें मिलती हैं। और ये जो वाइट मार्बल का यूज है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाइट मार्बल का यूज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर अब इसके बाद हम देखेंगे कि मिडिवल इंडिया में फिर व्हाइट मार्बल का यूज बहुत ज्यादा होने लगेगा, ठीक है। मिडिवल इंडिया में हम देखेंगे कि व्हाइट मार्बल का यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कब बढ़ता है, कौन स्टार्ट करता है व्हाइट मार्बल के आर्किटेक्चर को बनाना मिडिवल इंडिया में? किसने सबसे पहले स्टार्ट किया था? थैंक यू श्याम जानी, यू आर अ बिग फैन ऑफ माइन, ओके। नहीं, उनका कान छोटा बड़ा नहीं होता है मनीष, उनका कान दिखाया गया है छोटा बड़ा, जस्ट उनको मतलब दिखाने के लिए कि वो कैसे हैं। हाँ, मुगल के टाइम में हुआ था, राइट है, मुगल के टाइम में तो हुआ था, पर मुगल के टाइम में किसने स्टार्ट किया था? हाँ, ताज है, लेकिन ताज से पहले भी शुरू हुआ था, ताज से पहले भी। नहीं, दिल्ली सल्तनत में तो इतना नहीं है, नो, नॉट इन दिल्ली सल्तनत। हु स्टार्टेड इट? जहांगीर मुगल। अच्छा, जहांगीर के टाइम पे शुरू हुआ कृष्णराज, और जहांगीर के टाइम पे ये स्टार्ट किसने किया था, कौन से टॉम से ये शुरू हुआ? कृष्णराज, आप काफी पास पहुंच गए आंसर के, यू आर नियर टू दैट। नॉट शाहजहां, नॉट अकबर,
नूर जहां, राइट, अक्षय मलहन, राइट आंसर, नूर जहां ने स्टार्ट किया था। और नूर जहां का जो फादर का टॉम था, जिसको कहते हैं इत्मादुद्दौला, उनका जो टॉम है वो पहली बार पूरा का पूरा आर्किटेक्चर केवल व्हाइट मार्बल से बना। राइट आंसर, गुड, ठीक है। और बाकी सारे खिलजी वगैरह जो आप बता रहे हो वो गलत है। देखिए, नूर जहां ने अपने पिता के लिए जो टॉम वो बनवाया था ना, इत्मादुद्दौला का टॉम, वो बना हुआ है पूरा व्हाइट मार्बल से। उसके बाद फिर और ज्यादा बनने लगा, उसके बाद फिर ताजमहल तो पूरा ही व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, ठीक है। तो वापस आते हैं, वो तो हम मिडिवल इंडिया का जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग ये सब पढ़ेंगे, वहाँ पे हम फिर इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियरिटी से समझेंगे। अभी हम लोग इसकी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को थोड़ा सा क्लियर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सात वाहनों का इस टाइम में पैट्रोनेज था, सात वाहन रूलर्स का, और ये साउथ इंडिया की तरफ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो डेक्कन रीजन जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा वहाँ पर है, और यहाँ पे जातक कथाएं दिखाई जाती थी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में। एक बार तीनों को आप देखिए, तीनों को आप समझ जाएंगे। ये है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, यहाँ है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, जहाँ पे बुद्धा की बॉडी बहुत मस्कुलर है, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर बॉडी है। और इसके बाद ये है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, जिसमें की जो इमेजेस है उसमें कहानियाँ दिखाने की कोशिश की जा रही है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में, ठीक है। ओके गाइस, तो क्लास कैसी लगी आप सबको? एंजॉय किया आपने क्लास को? हैव यू एंजॉयड? कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज आर्ट एंड कल्चर का? और पिछला एपिसोड भी देख के आए हैं कि नहीं? पिछला भी देखना है। अब डेली इसी टाइम हमारी क्लास होगी, डेली रोज सुबह हमारी क्लास होगी 9:30 से 10:30, डेली लाइव क्लास होगी। डेली आपको आना है और लाइव क्लास आप देख सकते हैं। और इसको अगर आप चाहें तो आप इसे अगर और इसका हिस्टोरिकल सारा डिटेल पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में और भी चीज़ें समझना चाहते हैं, अगर आप पॉलिटी भी पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप जो है इसके लिए क्या करें, आप इसके लिए अच्छा है कि जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो लें अनअकैडमी प्लस का, वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, ठीक है गाइज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।